समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से, स्वयं तू संभल ले ऐसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान की एक नई श्रृंखला में, जिसका नाम है करने समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति ईश्वर के पास पहुंचा और उसने कहा कि प्रभु, मैं जिसे भी अपना बनाना चाहता हूं वो मुझसे दूर चला जाता है, जिससे मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं। प्रभु ने कहा, तुम अपने दुख और परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को ही अपना क्यों नहीं बना लेते, क्योंकि जिसे तुम अपना बनाते हो वो दूर चले जाते हैं, तो ये दुख और परिस्थितियां भी तुमसे दूर चली जाएंगे। एक सार्थक संदेश दिया था ईश्वर ने कि हम परिस्थितियों को, समस्याओं को स्वीकार करें, क्योंकि जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो उसका सामना करने का भी साहस हमारे अंदर पैदा होने लगता है और स्थिति शांत और शीतल होती चली जाती है। क्योंकि जितना हम उससे दूर भागते हैं उतनी वो परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। ऐसी ही शीतल, शांत और हमेशा ही आनंद की स्थिति में रहने वाली आज की हमारी अतिथि हैं, जो आज के समाधान के मंच में हमारे साथ हैं। आप हैं राजयोगिनी शिलू देते जी। 12 वर्ष की अल्पायु में ही आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए और 1969 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपने अपना पूरा जीवन ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया, मानवता की सेवा को अर्पित कर दिया। देश विदेश में आप आध्यात्म की ज्योत प्रज्वलित करती रहती हैं और अनेक टीवी चैनल्स पे आपके प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के राजयोग की आप वरिष्ठ शिक्षिका हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। दीदी, शुरुआत तो मैं इस चीज से करना चाहूंगा, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि 12 वर्ष की अल्पायु में ही, एक ऐसी आयु जिसमें बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, आनंदित रहते हैं, शरारत कर रहे होते हैं, यदि मैं भी अपनी लाइफ को देखता हूँ तो बहुत शरारत भरा जीवन था, आपको अध्यात्म के लिए कैसे एक ललक पैदा हो गई? वास्तव में मैं तो यही कहूंगी कि ये कोई हमारे लिए एक नई बात नहीं थी जी, क्योंकि मेरे अंदर जैसे आध्यात्मिकता बचपन से ही थी। मैं अपनी माँ के साथ सत्संगों में जाती थी, कोई गुरु महात्मा आते थे तो वहाँ भी मुझे मेरी माँ लेके जाती थी, तो मेरी लोग माता जी के साथ मैं क्योंकि जाती रही तो आध्यात्मिकता में मेरी रुचि पहले से ही थी जी। मैं कहानियाँ सुनती थी, मुझे वो कहानियाँ बहुत पसंद आती थी और फिर मुझे जो पसंद आता था फिर मैं दूसरों को भी सुनाती थी, अपनी फ्रेंड्स को सुनाती थी। तो अच्छी अच्छी बातें सुनना और फिर दूसरों को सुनाना, ये मुझे अच्छा लगता था। कोई अगर कोई गलत बात करे या नेगेटिव बात करे या अच्छी नहीं बात हो तो मैं बिल्कुल वहाँ से दूर चली जाती थी। ये बचपन से ही मेरे संस्कार थे, तो इसलिए आध्यात्मिकता की रुचि मैं समझती हूँ मुझे बचपन से ही थी। तो दीदी, जब आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया
तो ये जो एक समर्पण, अपने जीवन को समर्पित करना मानवता की सेवा में, ईश्वरीय सेवा में, एक बड़ा निर्णय होता है जीवन का। तो जब आपने ये निर्णय लिया, तो मन में कोई और भी ख्यालात थे कि मैं दुनिया की ओर भी देखूं या इधर जाऊं? कुछ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी, या आपके मन में यही था कि बस नहीं, यही करना है? कॉन्फ्लिक्ट थी, लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में सब मुझे कहते थे तुम डॉक्टर बनो, तुम डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो। तो इंटर साइंस के बाद मुझे डिसाइड करना था कि क्या लेना है। तो क्या है, मैं ब्रह्मा बाबा के भी बहुत करीब थी, क्योंकि 1960 से मैं ज्ञान में हूँ, और मैं बाबा के सामने इंग्लिश में भाषण करती थी। तो बाबा बहुत खुश होते थे मुझे इंग्लिश में भाषण करता हुआ देखकर, क्योंकि उस समय को इंग्लिश में भाषण करने वाले ऐसे होते नहीं थे, ज़्यादा नहीं। तो जब बाबा ने मुझे देखा, बाबा ने कहा बच्ची तुम इंग्लिश में तो बहुत अच्छा बोलती हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। उस समय बाबा ने ऐसे कहा। जी। तो विदेश भेजेगा, मैं सोच रही थी विदेश कैसा होगा, लेकिन मेरे भाई थे वो अमेरिका में थे, वो मुझे बुलाते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भाई बुलाए, पर बाबा ने कहा विदेश भेजूंगा तो एक बड़ी बात लगी। तो मुझे लगा कि विदेश जाना माना कोई माया है, वहाँ बहुत माया है, वहाँ पर बहुत विकार है, मुझे तो पवित्र स्थान पसंद है, इस प्रकार से था। जी जी तो जी जब बाबा ने मुझे ऐसे कहा तो मैं सोच भी पड़ गई कि क्या है इसका मतलब। तब मैं इंटर साइंस में थी, तो तब मैंने बाबा को पत्र लिखा था कि बाबा ऐसे मुझे घर वाले कहते तुमको मेडिकल लाइन लेनी है। तब बाबा ने मुझे जवाब लिखा कि बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत उम्मीद है, और बाबा चाहते हैं कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। जी जी ये जी बाबा ने मुझे पत्र लिखा। हाँ तो फिर वो संकल्प छोड़ दिया कि मुझे कोई मेडिकल लाइन लेनी है, और फिर इसलिए ग्रेजुएशन करके मैं समर्पित हो जाऊं, ये लक्ष्य था। जी। तो जब आप फिर समर्पित हो गई, थोड़ा और आगे बढ़ी, तो क्या कभी फिर ये ख्याल आया कि मैंने मेडिकल कर लिया होता तो कहीं और ज्यादा अच्छी सेवा कर सकती थी, लोगों की सेवा किया जा सकता था, या नहीं फिर? नहीं बिल्कुल संकल्प नहीं आया, जी क्योंकि बाबा ने कहा माना एक वरदान दे दिया कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, जी एक वरदान मुझे मिल गया। तो मुझे कभी संकल्प नहीं आया कि मैं कोई डॉक्टरी लाइन लूं। जी जी आपको एक डायरेक्ट ही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपनी तरफ से एक निर्देश दिया था, जो एक ईश्वरीय वरदान था। आजकल कई ऐसे युवा हैं दीदी, जो अपने इस एज में होते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति रहती है, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, क्या करूं, एक विकट स्थिति होती है। आप ऐसे में क्या सजेस्ट करेंगी ताकि उन्हें वापस ना आना पड़े, या कभी पश्चाताप ना हो, ताकि जिस लाइन को उन्होंने चुना उसके शिखर पे पहुंचे? मैं तो यही कहूंगी कि हर एक व्यक्ति पहले अपने आप को देखे कि मेरी मेरी इंटरेस्ट क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है। और मुझे तो आध्यात्मिकता बहुत अच्छी लगती थी, और खास करके जब इंटर साइंस में थी मैं, और मुझे उसमें डिसेक्शंस करने पड़ते थे, कॉकरोच का डिसेक्शन या पिजिन का डिसेक्शन, लॉबस्टर का डिसेक्शन। और फिर मुझे बताया जाता था कि मेडिकल लाइन अगर लोगी तो वहाँ तो ह्यूमन डिसेक्शंस भी करने पड़ेंगे, वो तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वैसे ही पसंद नहीं था डिसेक्शंस करना, मैं सोचती ये तो हिंसा है, मुझे ऐसे हिंसा का काम नहीं करना है। और फिर जैसे बाबा ने कहा कि तुम्हें रूहानी डॉक्टर बनना है, तो मैंने तो एक संकल्प ही छोड़ दिया कि मुझे कोई डॉक्टर भी बनना है, और जी। यही विश्व की सेवा करनी है, ज्ञान सारी दुनिया को देना है, यही मेरे अंदर लक्ष्य था। जी। मतलब अपने एक इंटरेस्ट को देख लें, उसके आधार पे अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उस पथ पर आगे बढ़ें। अदिति, लाइफ है तो बहुत सारी चैलेंजेस हर एक के लाइफ में आते हैं। आपकी लाइफ में किसी प्रकार के जो चैलेंजेस हैं आए हों, और आपने उनका किस प्रकार निदान किया है, वो जानना उस चाहेंगे? समय चैलेंज अवश्य आई, जी क्योंकि घर में अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि नहीं आपको मेडिकल लाइन लेनी है, और मैं कहूँ कि नहीं मुझे नहीं लेनी है, और बाबा का वरदान था, तो थोड़ा सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं पहले डिग्री पास कर लूँ, उसके बाद मैं देखूंगी। फिर यही सबको घर में निर्णय दिया, तो इसलिए डिग्री के लिए गई, बीएससी के लिए गई। और फिर उसी बीच तो बहुत कुछ परिवार में भी परिवर्तन आया, तो मेरे लिए सहज हो गया वहां से निकलकर इस सेवा में लग जाना। जी। चलिए, शुरुआती चैलेंज ये रहा कि आप अपने परिवार से निकल करके एक ईश्वरीय कार्य में लग गए।
एक बड़ा संगठन है ब्रह्मा कुमारीज का, और लंबे समय तक आप इस संगठन में हैं दीदी। तो संगठन में एक बड़े परिवार में रहते हुए वहाँ पे भी कई बार स्वभाव के, संस्कार के, या कभी हम आगे बढ़ते हैं तो किसी को ईर्ष्या होती है, ऐसी भी कई सिचुएशंस आती हैं। क्या कभी ऐसे सिचुएशन से आपको दो चार होना पड़ा, तब आपने कैसे निकाला अपने आप को? वैसे तो बातें तो आती है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना लेते हैं जी। तो मेरे अंदर ये पहले से ही संस्कार था कि जो नेगेटिव बातें हैं, जो बेकार की बातें हैं, वो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उसको कभी अपने अंदर में स्थान नहीं देना है, बस ये लक्ष्य होता था। तो अगर कोई छोटी मोटी बातें आती भी थी, परंतु मुझे अपने मन में इसको स्थान नहीं देना है, ये मैंने अपने अंदर ठान लिया था। क्योंकि एक बार मैंने मम्मा से भी ये सुना था, किसी से बातचीत चल रही थी मम्मा की, तो मम्मा को किसी ने किसकी शिकायत की कि मम्मा ये ऐसे मुझे कहती है, तो मम्मा ने कहा आपने सुना क्यों? तो कहा मम्मा कैसे नहीं सुना, तो कहा कैसे अंदर गया, तो कहा मम्मा जाएगा ना अंदर, मैंने सुना। तो मम्मा ने कहा कि फिर ये दो कान किस लिए, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देती। तो मैंने ये अपने अंदर में ले लिया कि अगर कोई ऐसी बात है तो ये दो कान किस लिए, एक कान से चलो सुना भी तो दूसरे कान से निकाल दो। तो ये मैंने अपना एक मोटो बना लिया कि बेकार की बात मुझे सुननी नहीं है, मुझे देखनी नहीं है, मुझे जो कि मेरे काम की बात है, जिससे जिसमें मेरी उन्नति है, मुझे वो ही बुद्धि में धारण करना है। इसलिए मैं सहज बड़ी सरलता से कई बातों से ऊपर उठती गई, इसीलिए मुझे किसी बात ने कभी रोका नहीं। जी जी, जीवन में कभी कोई ऐसी समस्या विकट सी जिससे लगा कि ये थोड़ी सी विकराल सी समस्या मेरे सामने आ गई है, और ऐसा लगा हो कि थोड़ा सा कठिन हो रहा है उसको पार करना? मैं समझती हूँ मेरे जीवन में ऐसे कभी नहीं आया, क्योंकि मैं सरल स्वभाव की हूँ। चलो कोई ऐसी बात आ गई तो या तो भूल जाओ या तो अपने आप को बदल दो, क्योंकि भूलना भी सहज लगता है और अपने आप को बदलना भी हमको सहज लगता है, बस मुझे बदलना है। कभी मैंने ये नहीं मन में सोचा कि दूसरा व्यक्ति बदले। होता क्या है, हम क्यों अड़ जाते हैं कई बार, क्योंकि हम ये सोचते दूसरा बदले, दूसरा मेरे आगे झुके, दूसरा मुझे मेरे से माफी मांगे। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। हमारी दादी थी लौकिक में, वो हमेशा ऐसे कहती थी, झुक झुक मर मर सिखो सिखो, सिंधी भाषा है। तो झुकते रहो, जो अगर झुकेंगे ना तो कभी आप कभी भी हार नहीं खाएंगे, आप विजयी बनेंगे। झुको फिर मरो, हट जाने क्यों। जैसे तो मुझे मिसाल देते थे कि जैसे एक मूर्ति है, वो कैसे मूर्ति बनी, क्योंकि उसको कितना कितनी ठोकर लगी, कितने हथौड़े लगे, तभी तो मूर्ति बनी। तो मुझे आता था मुझे मूर्ति बनना है, मुझे मूर्ति बनना है, मुझे मूर्ति बनना है, मुझे पूज्य बनना है। तो इसीलिए मुझे ही झुकना है, मुझे ही मरना है, मुझे बदलना है। मैं बदलूंगी तो जहान बदलेगा, बस यही मेरे अंदर में सदा रट रही है। जी, तो जी। मैं समझती हूँ कि इससे मुझे बहुत फायदा मिला है, मैं सदा आगे बढ़ी हूँ। चलिए, हमारे दर्शक भी बहुत आगे बढ़ेंगे, सुंदर सा सूत्र आपने दिया है उनको आगे बढ़ने का। जीवन में, संसार में लोग रहते हैं दीदी, चलिए आप समर्पित हैं, ईश्वरीय सेवा में हैं, और जीवन आपका बहुत ही सरल है, लेकिन जो घर में है, संसार में है, कारोबार में है, उनके सामने लगातार अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। क्या अध्यात्म में कोई ऐसा सूत्र है, मंत्र है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को सरल कर सकते हैं या समस्याओं से मुक्त बना सकते हैं? बिल्कुल है, बहुत कुछ है आध्यात्मिकता में, क्योंकि आध्यात्मिकता में ही हमें सिखाती है कि मुझे बदलना है। मनुष्य अगर अड़ा हुआ है, अभिमान के वश है, अहंकार है उसको, तो वो तो कभी बदल नहीं सकता है। जैसे जंगल में आग क्यों लगती है, जंगल में आग लगने का कारण ही है कि दो बांस की सूखी लकड़ियां आपस में टकराती है, और जैसे टकराती है तो आग लगती है। तो इसी प्रकार अगर मनुष्य अभिमान के वश है तो वो तो दूसरे से टकराएगा ही, पर जैसे बताए कि अगर हम झुक सकते हैं तो टकराएंगे नहीं। इतने बड़े बड़े तूफान आते हैं और जो बहुत बड़े पेड़ हैं जो नहीं झुक पाते हैं वही टूटते हैं, और जो छोटे पेड़ हैं
जो झुक सकते हैं वो बच जाते हैं। तो ये मैंने अपने जीवन में सबक सीखा कि मुझे ही झुकना है। इसलिए मेरे सामने अगर बातें आई भी और मैं झुक गई तो फिर वो बात खत्म हो जाती थी। जी, 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 जी। ये भी हमने अपने अंदर प्रतिज्ञा कर ली कि रात गई बात गई, सवेरे उस बात को कभी हाथ सोचना भी नहीं है। ऐसे नहीं कि कल तुमने ये किया था, नहीं, कल गया, कल खत्म हो गया, कल मर गया, आज नया जीवन है, बस ये मेरी सोच है। तो आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है। आध्यात्मिकता का मतलब ही है कि हम आत्मा का अध्ययन करके आगे बढ़े। हम रुकते क्यों हैं? क्योंकि कल को देखते, कल ऐसे हुआ था, कल तो सब खत्म हो गया, वो दृश्य खत्म हो गया, व्यक्ति चले गए, सब बात खत्म हो गई, अब आज नया दिन है तो नई बात सोचो। जी, जी। तो नई बात सोचने का लक्ष्य हमें आध्यात्मिकता देता है। आध्यात्मिकता को शायद लोग सही अर्थों में मुझे लगता है कि समझ नहीं पाते। पूजा पाठ कर लेना या थोड़ा सा जो भी हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उनका निर्वहन कर लेना, शायद इसे ही वो धर्म या अध्यात्म समझते हैं। लेकिन आप जिस ढंग से कह रही हैं वो शायद कुछ अलग लग रहा है। कैसे इस चीज को जो आप कह रही हैं दीदी अपने जीवन में व्यक्ति लाए? आध्यात्मिकता का अगर हम शाब्दिक अर्थ ले तो आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, परमात्मा का अध्ययन, कर्मों का अध्ययन, समय का अध्ययन। अब ये चार मूल बातें हैं आध्यात्म में। जी। पहले आत्मा का अध्ययन करो, खुद भी एक आत्मा हो, दूसरों को भी आत्मा देखना, ये आत्मा का अध्ययन करना। फिर परमात्मा का अध्ययन, अर्थात मैं आत्मा, उस परमात्मा की संतान हूँ, हम सब आत्माएं हैं, सब भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। तो ये अध्ययन अगर हम मन ही मन में करते हैं तो हम हद की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ सकते हैं। फिर उसके बाद कर्मों का अध्ययन, कर्मों का अध्ययन करना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, जय क्या है, पराजय क्या है, ये सब का भेद समझना, ये है आध्यात्म को समझना। क्योंकि आज यही सबसे बड़ी कमी है, मनुष्य ये नहीं समझ पाता अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो समझता है दूसरे के लिए कोई चीज बुरी है तो मेरे लिए तो अच्छी होगी, लेकिन जो आत्मा के लिए अच्छी है वही अच्छी है। केवल देह के लिए अच्छी वही नहीं अच्छी है। जी जी। क्योंकि देह के लिए हो सकता है मुझे खट्टा पसंद है, मेरे लिए सूटेबल है, पर दूसरे के लिए खट्टा पसंद नहीं है, उसको सूटेबल भी नहीं है, तो वो कहेगा नहीं 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 खट्टा ठीक नहीं। मैं कहूंगी नहीं, मुझे तो खट्टा अच्छा लगता है और मेरे लिए सूटेबल है। जी। तो क्या है कि फिजिकली जो बातें हैं वो अलग है, पर स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता माना जो आत्मा को सही लगे। तो आत्मा को वही सही लगेगी बातें जो आत्मा की अनुकूल हो, और आत्मा की अनुकूलता माना उसकी पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, यही आत्मा के अनुकूल है। दुख, अशांति, अपवित्रता, तनाव, चिंता, भय, क्रोध, ये आत्मा के अनुकूल नहीं है, ये आत्मा के प्रतिकूल है। तो जो प्रतिकूल चीज है वो आत्मा को पसंद वैसे भी नहीं होगी, इसलिए गुस्सा पसंद नहीं, लड़ना पसंद नहीं, अशांति पसंद नहीं, दुख पसंद नहीं, क्योंकि ये आत्मा के अनुकूल नहीं। ये आध्यात्मिक और सुंदर बातें जो आप कह रही हैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यक्ति आजकल बहुत भागा जा रहा है, उसे लगता है कि ये सारी चीजें सोचने करने के लिए मेरे पास वक्त कहाँ है, कैसे वक्त निकाले इसके लिए, क्या अब इसकी आवश्यकता है? जी, यही तो मुख्य बात है कि निकालना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर भी किसी को कहता है कि आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया। जी। अब हार्ट अटैक आ गया तो क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं थी, भोजन ठीक नहीं था, कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो डॉक्टर उसको कहेगा अभी आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अपनी डाइट चेंज करनी है, अगर आपको जीना है। जी। अगर आपको जिंदा रहना है, क्योंकि दोबारा अगर अटैक आ गया फिर बचना मुश्किल है, अभी तो बच गए। और फिर साथ साथ उसको ये भी कहेगा कि आप उसके लिए मेडिटेशन भी करो, क्योंकि मेडिटेशन से थोड़ा जो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में एक्टिव थे वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये हार्ट के लिए भी अच्छा है। जी, जी। हम तो कई बार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना भले अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है
और पर दिमाग के लिए भी हो सकता है अच्छा हो, पर आत्मा के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए ये इतना अच्छा नहीं भी है, क्योंकि आत्मा माना मन अर्थात जिसको शांति चाहिए और शरीर माना जिसको बहुत फिजिकल एक्टिविटी चाहिए जी, जी, तो वो भी चाहिए, पर एक बैलेंस बना जी, जी, मतलब दोनों का बैलेंस चाहिए और अब समय निकालना ही होगा लोगों को इसके लिए। दीदी लंबे समय से आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं, ईश्वर के साथ की कोई ऐसी अनुभूति जिसने आपको किसी विकट स्थिति से बाहर निकाला हो? विकट स्थिति से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ी बात है विश्वास, परमात्मा में इतना निश्चय, खुद में इतना निश्चय, मैं कर सकती हूँ, परमात्मा मेरा साथी है और उसका साथ मुझे अवश्य मिलेगा, वो हजारों हाथों वाला है, मेरा सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है, सच्चे सर्व संबंध मेरे उनके साथ है। तो ये जो अंदर का निश्चय चाहिए ना, वो अगर है तो परिस्थितियां कोई बड़ी बात नहीं लगती है। जी जी जी। परिस्थितियां तब बड़ी लगती है जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं, मेरा कोई साथी नहीं, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं, मुझे कोई शक्ति देने वाला नहीं, कोई मुझे प्रेरणा देने वाला नहीं। पर हम ये भूल जाते हैं हम अकेले नहीं है। आध्यात्मिकता हमें ये भी सिखाती है आप अकेले नहीं हो, आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो भगवान मेरे साथ है तो कहा जाता है जिसको राखे साइयां मार सके न कोई, तो भगवान साथ ही है, वो उसकी छत्र छाया मेरे सिर पर है तो मेरा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये हम बिल्कुल सुनते आए हैं और साधु संतों के द्वारा भी और अपने बुजुर्गों के द्वारा भी कि हाँ ईश्वर साथ है। ये अनुभूति हमें नहीं होती तो ये अनुभूति कैसे हो दीदी? बड़ा सा ये अनुभूति करने के लिए हर वक्त हमें उनके साथ बात करनी होगी। हम लोग यही सीखते हैं यहाँ कि हर वक्त आप परमात्मा से बातें करो जी, चाहे उनको अपनी माँ के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में, बच्चे के रूप में भी, ये सब अलग अलग संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। आध्यात्मिकता में यही तो विशेषता है जी, जी, जी। तो अकेला नहीं है तो परमात्मा साथी है, तो साथ कैसे है, एक एक संबंध में उनका साथ है। तो जो हम धार्मिक पुस्तकों में पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकते हैं कि भगवान को अपना साथी बनाएं तो कभी अकेलापन नहीं महसूस होगा और शक्ति बराबर मिलती रहेगी उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जी 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 जी। चलिए हम भी अब यही कोशिश करेंगे कि परमात्मा को सर्व संबंधों से अपने साथ रखें और लगता है कि यदि वो साथ हैं तो सचमुच सारी जो परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, दूर होती चली जाएंगी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहूंगा कि कल भी हमारे जो बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का आपसे हम जवाब लें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, ईश्वर कहते हैं कि उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सामने नहीं लेकिन आसपास हूं, जरा नजर तो बंद करके दिल से मुझे याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूं। शायद आज इस विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे मन में कई बार संशय आ जाता है कि परमात्मा है भी या नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं, मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने अंदर का विश्वास हमें उनके समीप ले जाता है, क्योंकि सदियों से जो चीज कही जाती रही है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे बड़े बुजुर्ग कि ईश्वर सर्वशक्तिवान है, तुम्हारे साथ है और तुम्हारा सर्व संबंध ही है, तो उन्होंने यूं ही तो नहीं कहा है ना, जरूर उन्होंने अनुभव किया था। आज शायद देह अभिमान के कारण हम उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा अध्यात्म की ओर जब चलेंगे तो जरूर हम उनका अनुभव कर पाएंगे और सभी समस्याओं का निदान भी हम कर पाएंगे। अपनी जो भी मन में प्रश्न है धार्मिक और आध्यात्मिक, आप अवश्य हम तक प्रेषित करें, क्योंकि दीदी कल भी हमारे साथ बनी होंगी, उन प्रश्नों का इनसे हम जवाब लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कटनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये
समाधान।